हेलो गाइस, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आपका भी यूडीआईडी कार्ड अस्पताल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, या आप स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, या आप यूडीआईडी कार्ड रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कैसे अप्लाई करना है इसको जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं गाइस। मैं इस वीडियो में आपको पूरा 100% जेन्युइन जानकारी देने वाला हूँ, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें आपको लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से रिजेक्ट किया गया एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करना है, कोई करेक्शन करना है उसमें, कोई अपडेट करना है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्वावलंबन पोर्टल से हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ टाइप करेंगे UDID.UDID पोर्टल जैसे कि आ रहा है, तो इस पे जाएंगे और इस पे आने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। तो यहाँ पे आने के बाद आप किस प्रकार से अपना स्टेटस चेक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन करेंगे तो इसके बाद आपके पास चार ऑप्शन होगा। UDID नंबर होगा, तो UDID नंबर आपका बना नहीं होगा तो इससे तो आपको नहीं हो सकता ट्रैक। फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर। तो मुझे लगता है कि आप चारों में से एक तो ज़रूर होगा आपके पास। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, फ़ोन नंबर भी हो सकता है। तो आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करके, जो भी होगा आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करके आप कर सकते हैं। तो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं सीधा उसी को मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से रिजेक्ट हुआ था और किस टाइप से दिखता है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो स्वावलंबन पोर्टल पे ज़रूर मिल जाएगा गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं बहुत सारे हाइड कर दिया हूँ यूट्यूब पॉलिसी के कारण। ऊपर आपका अस्पताल का नाम मेंशन रहेगा और साइड में एक डेट दिया रहेगा। बेसिकली जिस डेट को आप डाउनलोड करते हैं वही डेट यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल के द्वारा जब रिजेक्ट किया जाता है वो डेट नहीं है। जब आप डाउनलोड करेंगे वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाता है वही डेट। और नीचे आप जब आवेदन करेंगे तो वो नीचे मेंशन रहेगा, एक एप्लीकेशन टाइप का होता है ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे टोटल 3 पैराग्राफ होता है गाइस। जैसे फर्स्ट में दिया जाता है कि आपका एप्लीकेशन कब हुआ है, डेट मेंशन होता है। और उसके बाद पैराग्राफ 2 में दिया जाता है कि आपका एप्लीकेशन किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मेरा दिया गया था एड्रेस प्रूफ नोट मेंशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उनके पास 4-5 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक मेंशन कर देते हैं अपने सुविधा अनुसार। ज़्यादातर एड्रेस प्रूफ ही देते हैं ताकि जब आपका एड्रेस मैच नहीं करता है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि UDID कार्ड पर एड्रेस मेंशन होकर आता है, इसलिए एड्रेस सही होना बहुत ज़रूरी है। और पैराग्राफ आप 2 ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें डॉक्टर के द्वारा असेसमेंट किया जाता है। अगर आपका डॉक्टर असेसमेंट नहीं करेगा और असेसमेंट के डेट में अगर आप नहीं जाएंगे तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने जो सर्टिफिकेट UDID के लिए अप्लाई करते हैं, पुराने सर्टिफिकेट देकर तब भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। इस कारण से आप पैरा नंबर 3 देखेंगे तो इसमें दिया रहता है कि आपका एप्लीकेशन जब रिजेक्ट हो जाए और इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तब आप अपने मेडिकल बोर्ड, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं आपका अस्पताल का नाम मेंशन रहेगा, उस अस्पताल में जाकर आप उस मेडिकल बोर्ड को फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऊपर भी रहता है गाइस, जैसे ऊपर ही सबसे आपका अस्पताल का नाम मेंशन रहेगा। तो अब इस अस्पताल में जाके आप फिर से CMO से रिक्वेस्ट करेंगे या जो भी कलर वगैरह हो तो उससे, तो फिर से आपका पेज रिफ्रेश कर देंगे, फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं सीधा किस टाइप से अप्लाई होगा। चलिए गूगल पे जाते हैं सीधे, अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा पेज रिफ्रेश किया गया था और हम किस प्रकार से इसमें नया फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट UDID पे आ गए हम, और इस पे ऑफिस
आने के बाद यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। तो लॉग इन करने के लिए आपके पास इनरोलमेंट नंबर चाहिए, तो इनरोलमेंट नंबर आप इसके अंदर डालेंगे और आप डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहे, तो अपने इनरोलमेंट नंबर कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन की स्टेटस देखेंगे। तो स्टेटस देखने के लिए तीन ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और इनरोलमेंट नंबर, UDID नंबर। तो आधार नंबर से आप कर सकते हैं, ये सबके पास होगा और फ़ोन नंबर भी होगा। तो आप यहाँ पे अपने आधार नंबर टाइप करेंगे और जब आधार नंबर के थ्रू आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका इनरोलमेंट नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर इस पे सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि आपका कैंसिल है या अस्पताल द्वारा क्या क्या भी है, किस अस्पताल द्वारा। तो जैसे कि नीचे आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा, UDID नंबर होगा और एप्लीकेशन नंबर होगा या आधार नंबर और मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस और हॉस्पिटल के नेम। तो इस प्रकार से आप इसके नीचे मैं हाइड कर दिया हूँ गाइस, काफ़ी सारे यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है इसलिए। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं और इसके बाद आप यहां से अपने इनरोलमेंट नंबर जानकर आप फिर से इस पे आप लॉगिन करके सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और यहां से आप लॉगिन करने के बाद अपनी जो रिजेक्ट है वो रिजेक्ट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर ये हुआ था कि जब मेरा रिजेक्ट हुआ था तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आ रहा था, एक डाउनलोड एप्लीकेशन और एक डाउनलोड रिसिप्ट आ रहा था। लेकिन ये जो तीसरा आया है, अपडेट योर प्रोफाइल, ये वाला ऑप्शन जब मैं अस्पताल में दोबारा रिक्वेस्ट दिया था उसके बाद आया गया। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप मेडिकल बोर्ड को फिर से अप्रोच करेंगे जहाँ से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था, तभी आपका ये ऑप्शन आएगा, वरना आपका ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करते हैं और जाके देखते हैं हम इस प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या कर सकते हैं। तो इस प्रोफाइल अपडेट में वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप न्यू फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरह से खुल गया है गाइस। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि CMO ऑफिस में भी और जहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करवाएंगे वहाँ से कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कुछ चीज़ें आप अपडेट नहीं कर सकते, बट मोस्टली चीज़ें जो हैं वो अपडेट का ऑप्शन में दिखा रहा है। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो सकता है। यहाँ पे मैं हाइड कर दिया हूँ और देखते हैं कि पर्सनल जो डिटेल्स है इसमें नेम चेंजिंग वगैरह सारे कुछ यहाँ से फिर से एंटर कर सकते हैं। और एंटर करके हम देखेंगे यहाँ सारे फॉर्म खुल रहा है और इस फॉर्म को आप फिर से फिलअप करके आप दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं और ये सबमिट हो जाएगा अगर आपका प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आया और उस पर क्लिक किए हैं। उसके माध्यम से आप इस पर अपडेट करके फिर से अगर कोई आपकी जानकारी दोबारा अपडेट करना है या कुछ चेंजेस करना है उस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहले से फिलअप रहेगा। तो फिर से आप इसी को रीसबमिट कर देंगे अगर कोई चेंजेस नहीं करना है। तो जैसे कि इसमें काफ़ी सारे चीज़ चेंजेस हो रहे हैं, जब फाइनल सबमिट करेंगे तब पता चलेगा कि हमारा क्या क्या चेंजेस हो सकता है और क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि फादर नेम वगैरह सब कुछ पहले से ऑलरेडी फिल था, बट जब हम दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हो रहा है। तो इस मुझे लगता है कि इस प्रोफाइल अपडेट के माध्यम से आप एक न्यू फॉर्म की तरह ही फील करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो काफ़ी ओल्ड हो गया है, हमने 3 साल पहले ही एप्लीकेशन फिल किया था, तो फ़ोटो भी अपडेट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट हो रहा है, सिग्नेचर भी सेलेक्ट हो गया है और इसके नीचे जो भी है पर्सनल डिटेल वगैरह में, जैसे कि एडिशनल डिटेल में कितना आपका एनुअल इनकम है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना तक आपने पढ़ाई की है, इस टाइप से आप एम्प्लॉय हैं अनएम्प्लॉय हैं, इस टाइप से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी चीज़ें आपको अपने अनुसार देना है वो आप सारे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे इसमें।
और उसके बाद जब नीचे आएंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें जैसे कि मैं आधार कार्ड दे रखा हूँ, मैं दोबारा आधार कार्ड ही दूंगा। बट आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सही से फिल किया था, बट फिर से हम आधार कार्ड ही डालेंगे। और आधार कार्ड डाल के फिर से इस बारी डॉक्टर अपना असेसमेंट करेंगे। तो गैस जैसे कि देखिए, हम दोबारा आधार कार्ड अपडेट कर दिए हैं यहाँ से चूज़ करके। जो आधार कार्ड का मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए वो 500 KB से, और जो मिनिमम है वो 10 KB के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपका आधार कार्ड अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ से फिर आधार कार्ड अपलोड करने के बाद देख सकते हैं कि आधार कार्ड अपलोड हुआ या नहीं। तो अगर अपलोड होगा तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, दिख जाएगा। यहाँ से हम एड्रेस को भी चेंज कर लेते हैं, न्यू एड्रेस डाल देते हैं, क्योंकि हमारा आधार कार्ड में एड्रेस को हमने चेंज करवाया था। तो इसलिए जो भी आपका आधार कार्ड में हो वही आप डालें, एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम होगा बाद में। क्योंकि जो UDID कार्ड होता है वो स्टेट के जो आगे का नंबर होता है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपका BR होगा तो समझिए बिहार का है, DL होगा तो आपका दिल्ली से बना है, इस टाइप से प्रेजेंट होता है। तो एड्रेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने एड्रेस को फिर से चेंज कर दिया है अपने आधार कार्ड के अनुसार। जैसा आपका आधार कार्ड में दिया होगा आप उसी तरह से आप अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप तो नीचे देखने को मिलता है हमें डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर 2 से ज़्यादा है तो आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिसेबिलिटी का टाइप है, किस टाइप का डिसेबिलिटी है आपका और किस कारण से हुआ है, ये चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें से जो भी आपका फीडबैक था वो आप इसमें से चूज़ कर लेंगे। और डिसेबिलिटी कब हुआ है इसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी हुआ था, अगर आपके बाय बर्थ नहीं है तो आपको एक डेट मेंशन कर देंगे। अगर बाय बर्थ है तो यहाँ पे एक कॉलम आता है एस नो, इसको चूज़ कर देंगे। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे गाइस। तो जैसे कि ओल्ड वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर देंगे। इस टाइप से दिखता है, जो पहले जारी किया जाता था 2016 से पहले, तो उस टाइप का है। अब भी कई स्टेट में जारी करते हैं। और यहाँ पे उसका नंबर दे देंगे, मेमो नंबर जो भी होता है, सीरियल नंबर वहाँ पे टाइप कर देंगे आप। और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब जारी किया गया था तो ऊपर दिया जाता है, जैसे डेट वहाँ पे आप देख के मेंशन कर देंगे अपना डेट। तो ये वाले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक सपोर्ट के रूप में हो जाता है कि आपका पहले से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है। इस टाइप से नीचे आपको हॉस्पिटल चूज़ करने का मिल जाता है कि आप किस अस्पताल के अंदर आप ये असेसमेंट करवाएंगे, या किस अस्पताल में आप ये UDID कार्ड बनवाना चाहेंगे। तो आप ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट होता है, नहीं तो आप अदर स्टेट में जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवाएं वहाँ का भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करने से पहले अपना एप्लीकेशन चेक कर लेंगे, सारा डेटा सही फील है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो अभी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनल सबमिट करने के बाद अपना ये प्रिंट कर लेंगे एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट। तो चलते हैं, सबमिट करते हैं इसको। तो गाइस देखिए, आप फाइनल सबमिट हो रहा है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने के बाद इसको देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है। और देखिए, यहाँ से रिसिप्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, दोनों प्रिंट करके रख लेते हैं। और अपना जहाँ पे भी आपका मेडिकल अथॉरिटी वहाँ पे जाके इसको दिखाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, फाइनली सबमिट हो गया है और सारे कुछ चेंजेस हो गए हैं जो जो हमने चेंज किया था। तो मुझे लगता है कि सारे ऑप्शन जो जो आपने फिल किया था सारे चेंजेस हो गया है। और यहाँ पे जो हमने अपडेट किया था सारे अपडेट सक्सेसफुली हुआ है। ये अपडेट होने के बाद मेडिकल अथॉरिटी आपका वहाँ आपको एक डेट देंगे। अगर डेट नहीं देंगे तो आपको पूछ लेना है कि यहाँ पे कब आना है और हमारे मेडिकल कब होगा। उसके बाद आपका मेडिकल करने के बाद डॉक्टर देखेंगे, सारे कुछ सही होने के बाद आपका इस फॉर्म को अप्रूव कर देंगे। और जब डॉक्टर अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद
मुश्किल से 24 से 48 घंटे के बाद आपका फॉर्म जो है वो UDID कार्ड जनरेट हो जाएगा, और यहाँ से आप UDID कार्ड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं वेबसाइट पे जाके देखते हैं। तो गाइस देखिए, फाइनली सबमिट हो गया है और सारे कुछ चेंजेस हो गए हैं जो जो हमने चेंज किया था।